जन यात्रा का पद्म भूषण किद्दा संकुल में प्रवेश। सबसे आगे जन यात्रा का नेतृत्व करते हुए भूतेश्वर व्यायामशाला गोगला धीरे धीरे अपने आरक्षित स्थान की दिशा में जन यात्रा एक विशाल रैली के रूप में भूतेश्वर व्यायामशाला गोगला भिन्न भिन्न विद्यालयों के छात्रों एवं देव के लब्ध प्रतिष्ठित नगरजनों से बनी ये जन यात्रा अपने आरक्षित स्थान की दिशा प्रशासन की ओर से एक नम्र अनुरोध। राष्ट्रगीत के समय पर कृपया पूर्ण रूप से शांति रखें और खास तौर पर जब समाहर्ता महोदय का अभिभाषण हो तब पूर्ण रूप से शांति बरकरार रखें। जो हमारे अध्यापक गणों को जहाँ पर ड्यूटी सौंपी गई है उनसे गुजारिश है, कृपया आप आज के इस अवसर पर अनुशासन बनाए रखने में पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करें। देव नगरवासियों से भी खास अनुरोध है, कृपया आप मंच के दाईं और बाईं तरफ बनाए हुए टेंट में अपना स्थान ले लें ताकि खड़े रहने की कोई भी नौबत न रहे। कार्यक्रम पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण रूप से सफल बने इस अपेक्षा के साथ आज जो इनाम के हकदार है कक्षा 10 में डिस्ट्रिक्ट टॉपर पिनाली विजयकांत रावल अस्मिता कन्हैयालाल गोस्वामी अनिकेत केतन भाई डिस्ट्रिक्ट टॉपर इन कक्षा 12 विज्ञान प्रवाह चरण्या दक्ष मेघजी बमनिया ध्रुवी अमृतलाल सोलंकी आनंदिता अरविंद डिस्ट्रिक्ट टॉपर कक्षा 12 आर्स बमनिया एतल देवजी पटेलिया अंकिता अशोक राठौर किरण करसन डिस्ट्रिक्ट टॉपर कक्षा 12 कॉमर्स प्रथम राठौर कामिका लक्ष्मण सोलंकी भव्यता जयंतीलाल बरिया विभा छगन। इन सब छात्रों से गुजारिश है कृपया आप मंच के बाएं तरफ अपना स्थान ग्रहण कर ले ताकि इनाम वितरण प्रविधि में किसी भी प्रकार का विक्षेप उत्पन्न न हो पाए। बाद में 11वीं जनगणना के कार्य में उत्कृष्ट कार्य प्रदान करने वाले अधिकारी या कर्मचारी है
केत शाह, जितेंद्र वाला, राणा बी बारिया, जितेंद्र आर बमनिया, एम एच बारिया, शशिकांत जेठवा, कांतिलाल वाला और यूटी दमन दीव एंड दादरा नगर में बैडमिंटन में चैंपियन रहे दीव के प्रतिभा संपन्न युवा खिलाड़ी केवल पुष्पसंत सोलंकी, इन सबसे गुजारिश से कृपया आप मंच के बाएं तरफ अपना स्थान ग्रहण कर ले। कुछ ही पलों में आज दीव के प्राचीर पर ध्वज वंदन के लिए उपस्थित होंगे दीव जिला समाहर्ता श्रीमान विनोद कावले सर। हमें प्रतीक्षा है समाहर्ता महोदय के आगमन की, तब तक के लिए एक झलक आज के कार्यक्रमों की सुर्खियों पर। 8:58 पर समाहर्ता महोदय का पद्म भूषण क्रीड़ा संकुल पर आगमन होगा, ठीक 9 बजे ध्वज वंदन, राष्ट्रगीत और बाद में संघ प्रदेश दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली के प्रशासक महोदय श्रीमान बी एस बल्ला साहब को स्वाधीनता दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर दीव वासियों के नाम एक शुभ संदेश प्रस्तुति होगी दीव जिला समाहर्ता महोदय विनोद कामले के द्वारा। परेड निरीक्षण, मार्च पास, इनाम वितरण, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पुनः एक बार राष्ट्र की शान और गरिमा का निर्वाह करते हुए राष्ट्र गीत गाया जाएगा। तब भी सभी से गुजारिश है कृपया आप शांति और अनुशासन बनाए रखें। पुनः उपस्थित सभी से प्रशासन की ओर से नम्र अनुरोध, ध्वज वंदन, राष्ट्रगीत और समाहर्ता महोदय के अभिभाषण के समय पर कृपया पूर्ण रूप से शांति बनाए रखें।
राष्ट्रगीत और समाहर्ता महोदय के अभिभाषण के समय पर कहीं पर किसी भी प्रकार की चहल पहल न हो, इसकी सावधानी बरतें। शायद बारिश भी हो तो किसी प्रकार की भगदड़ न मचे, इसकी भी सावधानी रखें। आदरणीय पुलिस अधीक्षक आर्यन मीना साहब का शुभ आगमन। दीव जिला समाहर्ता महोदय आदरणीय विनोद कावले सर का पद्म भूषण किदा संकुल पर शुभ आगमन। धीरे धीरे समाहर्ता महोदय ध्वज वंदन की दिशा में सहयोग देते हुए उप समाहर्ता महोदय दिए सरोहा साहब, एसटीपीओ श्रीमान गिरिराज सिंह सर, अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। देव की ऐतिहासिक प्राचीर से ध्वज वंदन करने के बाद अब प्रस्तुत है दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली के प्रशासक महोदय श्रीमान बी एस बल्ला साहब का स्वाधीनता दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर दीव वासियों के नाम एक संदेश प्रस्तुत करेंगे दीव जिला समाहर्ता महोदय श्रीमान विनोद कावले सर। प्रस्तुत है दीव वासियों के नाम एक संदेश। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
68वें स्वतंत्र दिवस के अवसर पर मैं जिला समाहर्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ। दीव नगर पालिका परिषद ना प्रमुख श्री हितेश भाई, दीव जिला पंचायत ना प्रमुख श्री शशिकांत भाई, पुलिस अधीक्षक दीव, आदरणीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीव, दमन एवं दीव ना स्वतंत्रता सेनानियों, बद्धा राजनीतिक दलों ना प्रमुख अने प्रतिनिधिगण, चूंटायेल्या प्रतिनिधिगण, गणमान्य नागरिकों, सरकारी अधिकारीगण, आई पधारले उद्योगपतिगण, मीडिया ना प्रतिगण, भाइयों बहनों आने वाला बालकों, माननीय प्रशासक महोदय, दमन एवं दीव एवं दादरा नगर हवेली तथा का 67वें स्वतंत्र दिवस पर संदेश। भारतवर्ष ना 68वां स्वतंत्रता दिवस ना पावन प्रसंगे हूँ दमन ए नहीं दीव नी जनता ने हार्दिक अभिनंदन पाठू छू अने एमना सुख अने समृद्धि नी कामना करू छू तथा भारतवर्षना स्वतंत्रता संघर्ष में अमूल्य योगदान आपनार सर्व बहादुर नामी अनामी स्वतंत्रता सेनानियों आने सर्वे लोगों ना प्रति आज हूँ आदरणीय लागनी प्रकट करू छू। मुझे खुशी है कि भारत सरकार के माननीय गृह राज्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने 3 अगस्त 2014 को इस प्रदेश का दौरा किया। हालांकि उन्होंने दीव में कुछ ही क्षण बिताए, परंतु उन्होंने वहां न सिर्फ 25.5 करोड़ रुपए की लागत वाले नए 3 मेगावाट सोलर पावर प्लांट और 9.5 करोड़ की लागत वाले बहुप्रतीक्षित नए तटब्रिज की आधारशिला रखी, बल्कि नए सारथी बस सेवा को भी हरी झंडी दिखाई और भारत के सर्वोत्तम साइकिल ट्रैक का उद्घाटन किया। संसदीय सत्र के कारण अत्यंत व्यस्तता के बावजूद भी इस दौरे पर आने के लिए प्रदेश के लोगों और जनता से मैं माननीय गृहमंत्री राज्य मंत्री को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मुझे यह बताने में बेहद खुशी है कि श्री मनीष अग्रवाल पुलिस महानिरीक्षक को उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक एवं श्री ए के वाला अपर प्रभागीय अग्निशमन अधिकारी को उनकी सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति अग्निशमन सेवा पदक प्रदान किया गया है। इन दोनों अधिकारियों को उनकी उत्तम उपलब्धियों के लिए मैं बधाई देता हूँ। आप सब जानते हैं कि दमन एवं दीव तथा दादरा नगर हवेली के प्रशासक के रूप में 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद प्रशासक महोदय का तबादला पर अपने अलग अलग कार्यक्षेत्र के लिए जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि पिछले प्रशासक महोदय का संदेश है कि उन्हें खुशी है कि पिछले 2 वर्षों के दौरान हमने इस संघ प्रदेश के सभी क्षेत्रों के विकास करने में सफलता प्राप्त की है। मैं उनमें से कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियों के बारे में बताना चाहता हूँ। संघ प्रदेश की बुनियादी सुविधाओं को जारी रखने के लिए ध्यान दिया गया है। अप्रैल 2012 से हमने सड़क और पुल निर्माण के कार्यों में 200 करोड़ के से अधिक राशि खर्च की है। दमन एवं दीव में पहली बार के लिए नेशनल हाईवे को इस मई महीने में विस्तृत किया गया है। दीव घोगला का दूसरा पुल तथा नए तटब्रिज का निर्माण कार्य शुरू किया है। दमन में दमन गंगा नदी पर इस समय केवल एक ही ब्रिज अर्थात राजीव गांधी सेतु है। 5 और ब्रिज बनाने की हमारी योजना है। मेरी वित्तीय शक्तियों को 50 करोड़ तक बढ़ाने जाने की तिथि के दूसरे दिन
19 जुलाई 2014 को कच्चीगाम झरी पुल को 42 करोड़ रुपए की लागत से बनाने के लिए मैंने मंजूरी दी है। मोटी दमन एवं नानी दमन को जोड़ने वाले नए पेडेस्ट्रियन ब्रिज का निर्माण कार्य अक्टूबर 2014 से शुरू हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र में संपूर्ण इलेक्ट्रिक नेटवर्क को सुदृढ़ करने किया जा रहा है, जिस पर पिछले दो वर्षों से करीब 120 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। हमने दमन में 1 मेगावाट सोलर पावर प्लांट एवं दीव में 3 मेगावाट सोलर पावर प्लांट बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। दीव में 6 मेगावाट की दूसरी सोलर प्लांट बनाने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। दीव को दिसंबर 2015 तक अक्षय ऊर्जा से पूरी तरह विद्युतीकरण करने का हमारा लक्ष्य है। हमने पीने के पानी के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिससे अगले 20-25 वर्षों की ज़रूरत को पूरा कर दिया जाएगा। हमने सीवरेज एवं सॉलिड वेस्ट प्रबंधन आदि आधारभूत संरचना के विकास पर ध्यान दिया है। मोटी दमन एवं दीव में भूमिगत सीवरेज परियोजना के लिए 56 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। हमने नानी दमन सहित भीमपुर, दुनेठा, दाबेल, मरवड़, कड़ैया एवं कच्चीगाम में सीवरेज सिस्टम की डिज़ाइन तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। पूरे दमन एवं दीव में सॉलिड वेस्ट प्रबंधन की डिज़ाइन तैयार की गई है एवं इस हेतु कुल 30 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। आशा है कि दोनों जिले दिसंबर 2015 तक वेस्ट फ्री हो जाएंगे। जैसे आप सब जानते हैं कि मैंने हमेशा शिक्षा क्षेत्र को महत्व दिया है। हमने जुलाई 2013 में दीव में प्रतिवर्ष 180 विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए आर्ट्स एवं कॉमर्स विषय शामिल करते हुए प्रथम डिग्री कॉलेज शुरू किया था। हमने 24 जुलाई 2014 को 3 विषय पढ़ने की सुविधायुक्त दीव पॉलिटेक्निक कॉलेज शुरू किया है। दीव में एजुकेशनल हब के विश्व स्तरीय भवन का निर्माण जल्द ही शुरू किया जाएगा। हम दमन में पिछले महीने ही इंजीनियरिंग कॉलेज की शुरुआत करने वाले थे, लेकिन हमें अंतिम क्षण में AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से अंतिम क्लियरेंस नहीं मिल पाई। मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज के नए भवन के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि अगले वर्ष कॉलेज की शुरुआत करने की अनुमति हमें मिल सके। मेरा हमेशा यह प्रयास रहा है कि स्कूली शिक्षा में टीचिंग संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर और गुणवत्ता को बेहतर बनाया जाए। इसी उद्देश्य से अधिकारियों ने सभी स्कूलों का निरीक्षण किया और ये पाया गया है कि कमियों को दूर करने के लिए हम काम कर रहे हैं। गुणवत्ता में सुधार के लिए हमने सर्वोत्तम परियोजना की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत कुल 118 सरकारी स्कूलों में से 40 स्कूलों को शामिल किया गया है। पहले 20 स्कूल दिसंबर 2014 तक क्वालिटी सर्टिफिकेशन के लिए आवेदन करने हेतु तैयार हो जाएंगे और मार्च 2015 तक उन्हें क्वालिटी सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। 42 स्कूलों के साथ दीव भारत का प्रथम जिला बन जाएगा जहां सभी सरकारी स्कूलें क्वालिटी सर्टिफाइड होंगे। पिछले वर्ष उड़ान स्कीम के तहत लैपटॉप स्कीम शुरू की गई, जिसे इस वर्ष हम जारी रखेंगे। अगले 3 महीनों में सभी स्कूलों में शिक्षकों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू करने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि मैंने सरस्वती विद्या योजना की घोषणा इस वर्ष की थी। इस योजना ने देश में छात्रों की शिक्षा सुनिश्चित करने में एक नया मानक स्थापित किया है, जिसके तहत सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जानी है और परिवार की आय या सामाजिक स्थिति पर विचार किए बिना 9वीं कक्षा से छात्रों को छात्रवृत्ति भी दी जानी है। जब भी मैं इस योजना के बारे में देश में किसी को भी बताता हूँ तो हमें उनसे बहुत सराहना मिलती है, क्योंकि किसी भी राज्य में अन्य संघ प्रदेश द्वारा अब तक इस तरह की व्यापक योजना को लागू नहीं किया गया है। हम योजना आयोग के अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हमें जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा लक्ष्य प्रदेश के सभी नागरिकों को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं देना है। हमने संजीवनी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत
प्रदेश के अब तक लगभग 10,000 परिवारों ने अपना बीमा कराया है, जिनमें से 4,300 परिवारों की वार्षिक आय 1,00,000 और उससे ऊपर है। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि कई राज्यों की तुलना में संभवतः हमारी 108 नंबर की आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा भारत में सर्वोत्तम है। इस सेवा से अब तक इस प्रदेश में 10,000 लोगों को लाभ पहुंचा है। हमने भारत की पहली 104 नॉन इमरजेंसी मेडिकल सेवा भी शुरू की है। सरकारी सेवाएं उपलब्ध करवाने में हमने कई पहल की है। महत्वपूर्ण उसमें से है समय सुविधिनी सेवा के अंतर्गत अब 18 विभागों की 125 सेवाएं शामिल कर ली है। 51,000 से भी ज़्यादा आवेदनों पर समयबद्ध तरीके से 90% सेवाएं का निपटारा किया जा चुका है। हमने हाल ही में दमन में सरल सेवा केंद्रों की शुरुआत की है, जहां लोग फॉर्म 1 एवं 14 की प्रतियां से ले सकते हैं और बिजली बिल का भुगतान कर सकते हैं। जल्द ही ऐसे सेवाएं केंद्र की शुरुआत हम दीव में भी करना जा रहे हैं। लोगों की परेशानियों को बड़े पैमाने पर दूर करने के लिए हमने एफिडेविट या अटेस्टेड दस्तावेजों की जगह सेल्फ डिक्लेरेशन, सेल्फ अटेस्टेशन को लागू किया है। लैंड रिकॉर्ड्स को पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया है और आप इसे हमारी अवंतिका वेबसाइट पर देख सकते हैं। रेवेन्यू मैप्स के GIS अंतरित डिजिटाइजेशन की शुरुआत भी हमने जल्द ही करने वाले हैं। यातायात की सुविधाओं को बढ़ाने के क्रम में पार्थिव बस सेवा और नेशनल हाईवे की घोषणा करने के अलावा मुक्ति के बाद पहली बार दमन एवं दीव के बीच विमान सेवा आरंभ करने की प्रक्रिया हमने शुरू की है। आशा है कि रक्षा मंत्रालय से हमें इसके लिए जल्द ही अनुमति मिल जाएगी। लोगों की मांग पर शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और OIDC के बीच समझौता के जरिए दमन एवं दीव के बीच 150 यात्रियों की क्षमता वाली कैटामरन सेवा शुरू करने की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। हम एक नया कैटामरन खरीदेंगे और सितंबर 2015 तक मैं इस सेवा को आरंभ करूंगा। अगले साल तक विमान और कैटामरन सेवाएं किससे दमन एवं दीव सीधे तौर पर जुड़ जाएंगे। जहां तक पर्यटन के विकास का सवाल है, तो 6 अगस्त को दिल्ली में माननीय केंद्रीय पर्यटन मंत्री और माननीय गृह राज्य मंत्री के कर कमलों से हमने पर्यटन को व्यापक पैमाने पर बढ़ावा देने शुरुआत कर दी है। हमने 9 अगस्त को मुंबई में पर्यटन संबंधी एक बड़ा आयोजन किया, जिसमें सब ने बहुत सराहा। हमारे नए पर्यटन अभियान को 13 अगस्त को लागू किया गया है और इसे देश के लोगों का ध्यान इस आकर्षित हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस विशेष प्रयास से प्रदेश में पर्यटन को बहुत लाभ एवं बढ़ावा मिलेगा। साथ ही हम मौजूदा पर्यटन स्थलों को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं और नए पर्यटन स्थलों के विकास की योजना बना रहे हैं। मैंने व्यक्तिगत प्रयासों से भारत सरकार को दीव में देश का पहला ओशनेरियम स्थापित करने के लिए राजी कर लिया है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 500 करोड़ रुपए आने की संभावना है। कच्चीगाम उद्यान के पुनर्विकास और बैरिया तालाब में पक्षी पार्क के विकास के लिए हमने विस्तृत विवरण तैयार करने की शुरुआत की है। हमने सितंबर 2014 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने का निर्णय लिया है। पहली बार हम प्रदेश के GDP के साथ साथ मानव विकास इंडेक्स की गणना कर रहे ताकि हमें विकास की तुलना अन्य राज्यों संघ प्रदेशों से कर सके। दोस्तों, मैंने पिछले 2 वर्षों की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों का जिक्र किया है, जिसका ये मतलब नहीं कि इससे पहले कई वर्षों में उपलब्धियाँ बहुत कम रही है। इस प्रदेश ने मुक्ति के बाद से और विशेषकर पिछले 2 दशकों में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसकी जो कि मैं समन्वित प्रयासों का नतीजा है। अकेले दम पर कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है और पिछले 2 वर्षों के दौरान हमने जो प्रगति की है
वह सभी जनप्रतिनिधियों और समाज के सभी तबकों के लोगों के सहयोग एवं समर्थन के कारण संभव हुआ है। कोई भी राष्ट्र केवल संख्या से नहीं बनता, इसके लिए सभी को एक लक्ष्य की ओर प्रयास करना पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा आगे बढ़कर और साथ मिलकर लक्ष्यों को हासिल करने की आवश्यकता है। मैंने जो करने का प्रयास किया वह इस सोच का नतीजा है कि सब कुछ बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है और कम से कम समय में लक्ष्यों को कैसे हासिल किया जा सकता है ताकि आम आदमी की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। इसके लिए हमने न केवल 6 महीने या साल या 2 साल बल्कि आगे आने वाले कुछ दशकों के लिए योजनाएं बनी हैं। हम कुछ चीज़ों में सफल हुए हैं, कुछ में सफल नहीं हो सके, लेकिन हमने ईमानदारी से कोशिश की है, प्रयास करना कभी नहीं छोड़ा। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम कोशिश नहीं करें तो हम कभी सफल नहीं हो सकते, और अगर शुरुआत न करें तो हम कभी कोई कार्य पूरा नहीं कर सकेंगे। यह दुनिया एक दिन में नहीं बनी, यह हज़ारों वर्षों में मनुष्यों के छोटे छोटे प्रयासों से बनकर तैयार हुआ है। आइए हम प्रदेश के विकास के लिए अपनी कोशिश जारी रखें और छोटे छोटे कदम उठाते रहें। मैं जल्द इस प्रदेश से विदा लेने वाला हूँ, लेकिन इस सुंदर प्रदेश की बहुमूल्य यादें मैं अपने साथ लेकर जाऊँगा। हरियाली, बारिश, समुद्र का किनारा, शुद्ध हवा, अपूर्व सुंदरता, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यहाँ के लोगों की साधारण जीवन शैली और उनके सरल अनुरोधों के साथ उनका मेरा पास आना मुझे सभी याद रहेंगे। कभी कभी मुझे काम की अधिकता चिंतित करती है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम साथ साथ कदम से कदम मिलाकर ठीक दिशा की तरफ चले तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। निष्कर्ष: सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नज़र को बदलो तो नज़र बदल जाएंगे। मंजिलें पाना हो तो कश्तियां मत बदलना, दिशा को बदलोगे तो किनारे बदल जाएंगे। हु ए नथी जे मात्र स्वप्न मा मानू, आगमा स्वप्न ने पिघळेलू लोखंड बनाऊ छू, आने एना ऊपर पायो राखू छू, नवा घरनो आवी रीते मजबूत दीवाल उठाऊ छू। जय हिंद। धन्यवाद। दीव की ऐतिहासिक प्राचीर से ध्वज वंदन, और दमन दीव प्रशासक महोदय बीएस बल्ला का दीववासियों के नाम एक संदेश प्रस्तुत किया दीव जिला समाहर्ता महोदय श्री विनोद कावलेसन ने। अब धीरे धीरे समाहर्ता महोदय मंच की दिशा में और संदेश में दीववासियों का 68वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं उन वीर जवानों और शहीदों को श्रद्धांजलि, दीव के विकास की एक गौरव गाथा अपने अभिभाषण के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत हुई। धीरे धीरे समाहर्ता महोदय सलामी मंच की दिशा में अग्रसर होते हुए सहयोग प्रदान करते हुए उप समाहर्ता महोदय श्रीमान डी एस सरोहा साहब और साथ में SDPO श्रीमान गिरिराज सिंह से। भारतीय आरक्षित वाहिनी के पुलिस निरीक्षक श्रीमान मोहम्मद रफी एके परद निरीक्षण के लिए समाहर्ता महोदय को आमंत्रित करते हुए।
समर्थ महोदय पर निरीक्षण की दिशा में अभिमुख सहयोग देते हुए एसटीपीओ श्रीमान गिरिराज सिंह सर और समस्त परेड की वागडोर संभाले हुए भारतीय आरक्षित वाहिनी के निरीक्षक श्रीमान मोहम्मद रफीक एके। परेड निरीक्षण कार्य शुरू सबसे पहले पुलिस का दस्ता बहुत ही अनुशासित मुद्रा में हमारे बहादुर सिपाही भारतीय आरक्षित वाहिनी के जवानों साहस और विश्वास के दर्शन कराते हुए सीआईएसएफ के जवानों सुंदर कतारबद्धता की प्रतीति, होमगार्ड के जवान सुंदर यूनिफॉर्मलिटी, एनसीसी के कैडेट्स राष्ट्र के प्रति एक उदात्त भाव प्रदर्शित करते हुए हमारे नन्हे सिपाही सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देव के छात्रों बहुत ही सुंदर एवं प्रसन्न मुद्रा में सरकारी माध्यमिक विद्यालय गर्ल्स देव बहुत ही लयबद्ध मुद्रा के दर्शन कराते हुए निर्मला माता स्कूल देव के छात्र शांत मुद्रा के परिचायक दिखते हुए ये छोटे बच्चे एनसीसी गर्ल्स का दस्ता एक शौर्य की प्रतीति कराती हुई हमारी युवा बालिका है। सरकारी माध्यमिक विद्यालय बहुत ही सुंदर मुद्रा केंद्रीय विद्यालय बहुत ही प्रसन्न भाव की पुष्टि कराते हुए ये छोटे छात्र परेड निरीक्षण कार्य संपन्न संतुष्टि के भाव के साथ समाहर्ता महोदय पुनः सलामी मंच की दिशा में सुंदर और शांत परिसर में देव वासियों इस स्वाधीनता दिवस का मजा लेते हुए एक जोश और जज्बा पूरे जन सैलाब में उत्साह और उमंग की लहरें तरंगित होती हुई
समस्त परेड का नेतृत्व करते हुए भारतीय आरक्षित वाहिनी के निरीक्षक मोहम्मद रफीक एके अपने बुलंद आवाज से मार्च पास्ट के लिए समस्त परेड को तैनात करते हुए मार्च पास शुरू। समस्त परेड की अगुवाई करते हुए भारतीय आरक्षित वाहिनी के निरीक्षक मोहम्मद रफीक एके, पुलिस परेड की कमान थामे हुए अरविंद बारिया, कदम कदम पर अपने बुलंद हौसलों को दिखाते हुए हमारे बहादुर सिपाही सलामी मंच से गुजरते हुए भारतीय आरक्षित वाहिनी की कमान थामे हुए जयंती सोलंकी राष्ट्र के प्रति कर्म तत्परता दिखाते हुए हमारे सीआईएसएफ का दस्ता कमान थामे थी। बहुत सुंदर कदमों का समन्वय होमगार्ड की कमान थामे हुए बिपिन वाजा, चिंतक चुंदरिया के नेतृत्व में आगे बढ़ता हुआ एनसीसी का दस्ता उभरते भारत की ये नई बुनियाद, गर्ल्स एनसीसी का दस्ता कमान थामे हुए प्रिंकल उभरते भारत के प्रहरी के रूप में बालिकाएं मन से गुजरती हुई, निर्मला माता स्कूल दीव के छात्र बागदौर थामे हुए भाविक बारिया, मनस्विता चौहान की अगुवाई में आगे बढ़ती हुई गर्ल्स विद्यालय दीव, नारी गौरव गाथा को उजागर करती हुई ये बालिकाएं सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देव के छात्र उभरते भारत की नई पहचान, गैलेक्सी स्कूल फुदम नेतृत्व करते हुए जय कुमार सोलंकी, शांत मुद्रा एवं राष्ट्र भावना से झलकते चेहरे, सरकारी माध्यमिक विद्यालय फुदम के छात्र मन से गुजरते हुए कमान थामे हुए मनीष, प्रसन्न भाव की पुष्टि कराते हुए छात्र, जवाहर नवोदय विद्यालय बुचरवारा के छात्र लाजवाब कदमों का तालमेल, अतुलनीय भारत गरिमा की लालिमा चेहरों पर झलकती हुई, केंद्रीय विद्यालय फुदम अगुवाई करती हुई जयंतिका चुंदरिया, राष्ट्र की आन और शान के प्रतीक एक छात्र और बतेश्वर व्यायामशाला गोगला अगुवाई करते हुए भावकेश सोलंकी, अपने परंपरागत वस्त्रों में सज बतेश्वर व्यायामशाला गोगला का दस्ता पद्मभूषण किदा संकुल तुर्यनाद और संगीत की सुरावलियों से गुंजता हुआ
पूरे पद्म भूषण क्रीड़ा संकुल के परिसर में दिवासियों में एक आनंद, एक उत्साह, जोश और जज्बा अड़सठवें स्वाधीनता दिवस के ऐतिहासिक पर्व पर। नमस्कार। न पूछे जमाना की क्या हमारी कहानी है, न पूछे जमाना की क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ यह है कि हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है। जैसे कि आप सब सुविदित है कि संघ प्रदेश दमन दीव दादरा नगर हवेली के माननीय प्रशासक महोदय श्री बी एस भल्ला साहब के मार्गदर्शन एवं हमारे सम्माननीय समाहर्ता महोदय श्री विनोद पी कावले साहब के सफल नेतृत्व में दीव के चहुमुखी विकास के साथ साथ शिक्षा, खेल एवं प्रशासनिक कार्य में विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र, खिलाड़ी तथा अधिकारी कर्मचारी गण को प्रोत्साहित करने हेतु दीव प्रशासन की ओर से उन्हें पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र इनायत किए जाएंगे। अतः मैं हमारे सम्माननीय समाहर्ता महोदय श्री विनोद पी कावले साहब से नम्र निवेदन करूंगी कि आज के इस स्वतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर अपने कर कमल से पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र देकर उनका उत्साहवर्धन करेंगे। सबसे पहले शिक्षा क्षेत्र, डिस्ट्रिक्ट टॉपर इन एसएससी एग्जामिनेशन मार्च 2014 गुजरात सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड बड़ौदा, फर्स्ट रैंक पर रही है पिनाली विजय कांत, परसेंटेज 19.50, गवर्नमेंट हाई स्कूल गर्ल्स दीव। द्वितीय स्थान पर रावल अस्मिता कन्हैयालाल, 87.66%, गवर्नमेंट हाई स्कूल गर्ल्स दीव। थर्ड रैंक पर रहे हैं गौस्वामी अंकित केतन भाई, 83.50%, निर्मला माता हाई स्कूल दीव। गौस्वामी अंकित केतन भाई 83.50%। अब डिस्ट्रिक्ट टॉपर इन एचएससी एग्जामिनेशन मार्च 2014 साइंस स्ट्रीम गुजरात बोर्ड, फर्स्ट रैंक पर चारणिया दक्ष मेघजी, 89.23%, गैलेक्सी फुदम स्कूल। सेकंड रैंक पर बामनिया ध्रुवी अमृतलाल, 86.61%, गैलेक्सी फुदम स्कूल। थर्ड रैंक पर सोलंकी आनंदिता अरविंद, 81.50%, गैलेक्सी फुदम स्कूल। डिस्ट्रिक्ट टॉपर इन एचएससी एग्जामिनेशन मार्च 2014 आर्ट्स स्ट्रीम गुजरात बोर्ड, फर्स्ट रैंक बामनिया हेतल देवजी, 78%, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स वणाकबारा। सेकंड रैंक पर पटेलिया अंकिता अशोक, 77%, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स गोगला। थर्ड रैंक पर राठौड़ किरण कर्शन, 76.85%, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल गोगला वणाकबारा। डिस्ट्रिक्ट टॉपर इन एचएससी एग्जामिनेशन मार्च 2014 कॉमर्स स्ट्रीम गुजरात बोर्ड, फर्स्ट रैंक पर राठौड़ कामिका लक्ष्मण, 78.57, कॉमर्स स्ट्रीम, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बॉयज वणाकबारा।
सेकंड रैंक पर सोलंकी भव्यता जयंतीलाल 77.28 गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल दीव। थर्ड रैंक पर बारिया विभा छगन 74.57% गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बॉयज होनाकबरा। अब 11वीं जनगणना के कार्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारी गण को मेडल एवं प्रमाण पत्र इनायत किए जाएंगे। सबसे पहले चार्ज ऑफिसर श्री के एच सा रिटायर्ड सुपरिंटेंडेंट कलेक्टरेट दीव अर्बन ब्रॉन्ज मेडल। असिस्टेंट चार्ज ऑफिसर श्री जितेंद्र जे वाला दीव डिस्ट्रिक्ट सिल्वर मेडल। सुपरवाइजर श्री राणा बी बारिया जी दीव रूरल एरिया सिल्वर मेडल। श्री राणा बी बारिया जी दीव रूरल सिल्वर मेडल ईओवीपी बीडीओ। श्री जितेंद्र आर बामनिया जी दीव अर्बन ब्रॉन्ज मेडल। श्री एम एच बारिया जी दीव रूरल सिल्वर मेडल। श्री शशिकांत के जेठवा रिटायर्ड हेड क्लर्क डीएमसी दीव अर्बन सिल्वर मेडल। श्री कांतिलाल एच वाला असिस्टेंट टीचर निर्मला माता हाई स्कूल दीव रूरल ब्रॉन्ज मेडल। श्री कांतिलाल एच वाला असिस्टेंट टीचर निर्मला माता हाई स्कूल दीव। अब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट सिलवास द्वारा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2014 अंडर 17 का आयोजन दिनांक 28 मई 2014 से 31 मई 2014 तक किया गया था। उसमें सिंगल में प्रथम स्थान पाकर चैंपियनशिप के गोल्ड मेडल एवं डबल में रनर्स अप का स्थान प्राप्त करके सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाले बैडमिंटन के होनहार खिलाड़ी केवल कुमार पुष्पसेन सोलंकी को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र देकर उसे सम्मान किया जाएगा। केवल कुमार पुष्पसेन सोलंकी ने फर्स्ट गुजरात स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप गांधीनगर में भी 148 खिलाड़ियों में से सुपर 8 में अपना स्थान पाकर क्वार्टर फाइनल में भी प्रवेश किया था। साथ में पुणे गोदावरी चंडीगढ़ आगरा में भी शानदार प्रदर्शन करके दमन दीव संघ प्रदेश का नेतृत्व भी किया था। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट सिलवास द्वारा आयोजित ओपन बैडमिंटन 2014 की टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करके क्वार्टर फाइनल में भी अपना स्थान बनाया था। तो आइए खेल के क्षेत्र में ऐसी होनहार खिलाड़ी केवल कुमार पुष्पसेन सोलंकी जी की प्रतिभा को सम्मानित करने के लिए दीव प्रशासन की ओर से उसे ट्रॉफी एवं बैडमिंटन की किट भी दी जाएगी। अब 16वीं लोकसभा चुनाव में स्वयं सेवक के रूप में उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने वाले एनसीसी कैडेट्स को प्रमाण पत्र देकर उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। 8 बटालियन में कुल 34 कैडेट और 27 बटालियन में 31 कैडेट को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। अतः मैं
8 बटालियन के ग्रुप लीडर रावल हिरेन अपने ग्रुप के साथ प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। पूरा बटालियन ग्रुप अपने ग्रुप लीडर के साथ प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे और हमारे सम्माननीय समाहर्ता महोदय श्री विनोद पी कावले साहब ग्रुप लीडर रावल हिरेन को प्रमाण पत्र देकर उसका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। साथ में हमारे मीना साहब भी उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं। सोलहवीं लोकसभा चुनाव में स्वयं सेवक के रूप में इन कैडेट्स ने उत्कृष्ट सेवा प्रदान की थी। साथ में 27 बटालियन के ग्रुप लीडर कापड़िया कृष्णा जगदीश अपने ग्रुप के साथ प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगी।